हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। यू आर वाचिंग कशिश ब्लॉग। तो गाइस, कैसे हो आप सब? मैं हूँ बहुत अच्छी, और आज मैं नहा के रेडी हो के और अभी मैं आपको अपनी छत पे दिख रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी रील्स बनाई आज फिर से सूट पहन के। और तू इधर आना। मैं नहीं आ रहा। आ गाइज, ये मेरी रील्स बनाती है सारी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी रील्स कोमल बनाती है। तो ये है वो कोमल जो मेरे घर के सामने रहती है और मेरी सारी रील्स बनाती है। एक बहुत बड़ा थैंक यू मेरा हमेशा रहता है इसको, और मेरे ब्लॉग में भी मेरी हेल्प करती है। थैंक हाय बोल। हाय। अब इन्हें तो रख देते हैं, क्यों घूम रही है गाइस? ये ना मेरे को हैबिट नहीं है हील्स पहनने की, तो मैंने थोड़ी वीडियोस बनाई हील्स पहन के, तो मैंने इसे बोला तू रख दे, पर नहीं, ये पकड़ के ही घूमे जा रही तब से। और गाइस, बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी है, आप मेरे मुंह देख सकते हो कैसा हो रहा है। बट अब मेरी वीडियोस कंप्लीट हो गई, अब मैं जाऊंगी नीचे घर पे। चल कोमल, चलते हैं, बहुत धूप है गाइस। हाय गाइस, तो गाइस मैं छत से आ गई थी, फिर मैंने यार आगे व्लॉग शूट करा ही नहीं, मैंने सोचा था नीचे आके कुछ ना कुछ बात करती, पर फिर मुझे कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करनी थी और फिर अप्रूवल के लिए भी भेजनी थी फटाफट से। तो फिर मैं वो वीडियो बना के इतना थक गई थी, क्योंकि वो थोड़ी फिटनेस फ्रीक वाली वीडियोस थी, तो फिर मैं उन्हें बना के इतना थक गई, मैं फिर खाना खाया और फिर मैं सो गई थी। बट फिर अभी सडनली प्रेरणा घर आ गई थी, उसने बोला कहीं घूमने फिरने चलते हैं, तो फिर अभी फिर मैं सो रही थी, फिर मैं उठी, मैं दोबारा से रेडी हो गई। आज आपने मुझे दो बार देखा अलग अलग, और दोनों बार रेडी हो के। बाकी अभी सब लोग इधर ही हैं गाइस। देखो मम्मी नहाई नहीं है क्योंकि उसी सूट में, और बुआ नहाई है क्योंकि बुआ के दूसरे कपड़े हैं। मम्मी नहीं नहाती गाइस, मम्मी ऐसे ही करती हैं। कुछ कहना चाहोगी? अब मैंने आपकी पोल पट्टी खोल दी सारी। मम्मी कह रही है वो निःशब्द है, उनके पास कोई शब्द नहीं है। बाकी अभी प्रेरणा जगतपुर गई है, थोड़ी देर में आएगी फिर हम सब जाएंगे। मेरी बहन का सर दर्द हो रहा है। दबाऊं? सुबह से पता क्या कर रहे महाराज? लग रहा रानी। महाराज जी आपने ठीक लिया है। अब रानी हो जाकर दिक्कत, अब हमें जाना पड़ेगा बुलेट खुद ड्राइव करके। गए थे बाहर और फिर हम लोग आ गए घर, और फिर हम बाहर गए थे तो वहीं से हम लोग थोड़ी प्लानिंग करके आए कि हम लोग कहीं चलते हैं आसपास। अमृतसर जाने की सोच रहे थे, पर फिर हमने सोचा कि अभी हम किसी के पास भी पैसे नहीं, हम सभी गरीब हुए पड़े थे, तो हमने सोचा कि हम पास में वृंदावन तक घूमाते हैं या कहीं आसपास चले जाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, अभी निशी और प्रेरणा यहीं, जीजू, निशी और जीजू यहीं पे थे, बट अब वो कपड़े लेने गए हैं अपने फ्लैट पे। पुनीत गया है गाड़ी लेने, और अंशु पुनीत के साथ है, और मैं अब जा रही हूँ नहाने, और उसके बाद हम सब रेडी होंगे और फिर हम जाएंगे वृंदावन। गाइस देखो, पुनीत की अटैची ना ये वाली यहीं पे पड़ी हुई थी, क्योंकि अभी हम लास्ट कहाँ से आए थे, कहाँ गए थे हम, रिजॉर्ट रहने गए थे जब स्टे करने के लिए, तो वो लेके ही नहीं गया ना पुनीत, तो मैंने अपने सबसे पहले अभी कोई भी आया नहीं है, मैंने अभी तो मैं नहा के ये पहन रही हूँ, और ये सूट और इसके मैचिंग की इयररिंग्स वगैरह मैं सब रख रही हूँ बैग में, सबसे पहले अपने कपड़े। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ नहा के अभी, और बाकी अभी तो मैं जींस टी शर्ट पहन के जाऊँगी, तो अभी मैंने जींस टी शर्ट पहन लिया, बाकी देखते हैं। फिर अभी कोई भी आया नहीं है, सब आते हैं फिर मैं आपसे बात करती हूँ। बाकी मैं आज इतनी रात को नहाई हूँ गाइस। तो गुड मॉर्निंग, और अभी भी हम आपको घर पर ही दिख रहे हैं, क्योंकि हमारा प्लान जो था वो कैंसिल हो गया जाने का, हम लोग किसी रीज़न की वजह से नहीं जा पाए, सबका बहुत मूड ऑफ हुआ, हम लोगों को जाना था बट हम नहीं जा पाए। और बाकी पीछे अभी काम चल रहा है यहाँ पे इस रूम में, और गाइस फिर अब भाई आया था छोले भटूरे लेके, और अब मैं कुछ नहीं कर रही यार, घर का काम कर रही हूँ, उसका नाम भी नॉर्मल रूटीन। पहले तो यार मतलब इतना गुस्सा आया ना कि मैं तो इतनी रात को नहाई, ऊपर से मैंने पैकिंग भी करी जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, और उसके बाद हम नहीं गए, सो सैड यार। बाकी मुझे अभी बर्तन धोने हैं बहुत सारे, अब वही कर सकती हूँ मैं, अब जा रही हूँ बर्तन धोने। क्या लाए हो नन्नू? छोले भटूरे। क्या? छोले भटूरे। गाइस नन्नू छोले भटूरे लेके आया है। अभी गम है। गम है? हाँ। है क्या इसमें, क्या है? पहले आप बताओ इसमें क्या है, मुझे बताओ। ये क्या है? छोटले बोटले। ओटी है ये ओटी है। आपको खाना है ये? ओके आओ दीदी डाल के दी। मैंने जाके मेरे मैंने सारे इतने सारे बर्तन धोए हैं, और इससे पहले थोड़े से बर्तन धोए थे,
उई, इससे पहले थोड़े से बर्तन धो के मैंने रैक में लगाए, उसके बाद मैंने फिर से धोए यार। मतलब जब मैंने आपको गाइस बोलता था लास्ट में बर्तन धो रहे, उसके बाद एक डेढ़ घंटा लगा, और उसके बाद जाके मैंने यहाँ पे सारे बर्तन वर्तन धो के पूरा सब कुछ क्लीन करके रखा है। और अभी भी पर मुझे अब झाड़ू पोछा वगैरह मारना है, और ये अभी काम हुआ था, बस इतना सा ही हुआ है, बाकी अभी और काम होगा तो फिर मुझे सब करना है यार अभी, और इधर पूरे में झाड़ू पोछा करना है अभी, और ये तो होगा, और ये ननू का स्कूल बैग, ननू सो गया है अब, और बाकी यार अब मैं बहुत थक गई, तो 2 मिनट बैठ के फिर मैं फटाफट से झाड़ू पोछा करूँ। जैसे कि मेरा ये काम तो हो ही गया था, मैंने आपको दिखाया था, मैंने कहा था कि मुझे झाड़ू पोछा करना है सब समेट के, यहाँ पे कितनी मिट्टी वगैरह पड़ी हुई थी पहले, अब मैंने सारा झाड़ू पोछा करा है यहाँ पे पूरे में, झाड़ू मारा पोछा मारा, और ना ये जो हुआ था ना इसकी वजह से सारा वाइट वाइट इस पर हो गया था, और फिर अब ये पेपर था तो अब मुझे इस पर साफ़ करना पड़ा, मैंने सारा साफ़ कर दिया अब। और गाइस मैं आपको अपनी शक्ल इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि मेरी शक्ल बहुत ज़्यादा ही गंदी हो रही है, अब मैं ऐसी लग रही हूँ जिसे पूछो मत। अब मैं नहा लेती हूँ क्योंकि अब ये सारा काम हो गया, बाकी अब जब ये दीवारों का काम होगा तब दोबारा गंद मचेगा, तब दोबारा साफ़ कर दूँगी। बट यार आज तो बहुत थक गई मैं, और 3-4 बज गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अब ये सारा सामान मुझे यहाँ से हटाना है, ये सब निकालूंगी ताकि फिर जब वॉल लगेगी तब आपको फिर से दिखाऊंगी कैसी वॉल लगाई हमने। ओके गाइस, और यहाँ पे सब सो रहे हैं, ननू स्कूल से आता है, ननू वहीं सो रहा है, नोना अंशु के पास, और ये रही नोना, नोना की थोड़ी तबीयत ख़राब है, मम्मी ये रही, और बुआ ये रही। गाइस देखो नोना सो के उठ गई, और ये भी सो के उठ गया, जो के उठ गया नन्नी, सो जाओ फिर से, सो जाओ फिर से, सो जाओ। क्या हो गया इसे, क्या हुआ, काका बस बन गया लाड दुलार, अब अपनी मम्मी के पास जाएगा, है ना नोना, अपनी मम्मा के पास चला जाता है ना नन्नू, है ना, है ना, आज के दिखा दो क्या मामा पागल कहीं का है का। चाउमीन और मोमोज और डोसा लेके आया है सबके लिए, और कुल्लू आया पड़ा, अच्छा लग रहा है ये सब कुर्ता में, पागल पागल है देखा गाइस, जैसे मेरे बालों में से क्लचर हटा के ऐसी हरकतें कर रहा है, और यहाँ पे मामी 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 कहाँ चली गई, ओए नोना के तौलिया से हाथ पोंछती हुई पकड़ी गई मामी, हाथ मेरे बिल्कुल गंदे हैं गाइस, गीले थे और नोना के तौलिया से, सच में गीले नहीं है, देख ले मैं धोती नहीं, बच्चे के तौलिया, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बाकी शाम के तो बहुत, शाम का बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, कितना टाइम हो चुका है गाइस, 7:05 हो रहे हैं, और मैं क्या ही करूँगी घर पे यूँ, बस क्या नींद आ रही है, सोचूंगी तो ब्लॉग अभी छोटा सा ही बना है, बट कोई बात नहीं, मैं अभी लेट भी हो गया काफ़ी आज तो मैं इसे अभी फटाफट से एडिट करके अपलोड कर देती हूँ, आप लोग इन्जॉय कर लेना फिर। बाकी यार आजकल मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा ब्लॉग बनाने के लिए, जो मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाऊँ, बट मैं ट्राई करूँगी कुछ अच्छे से ब्लॉग लेके आऊँगी। बाकी तब तक के लिए आप इस वाले ब्लॉग को इन्जॉय करो, और मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय।